वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज हम आए हैं धोबी घट्टे पर, जहां धोबी कपड़े धोने आता है। ये अपनी स्कूटी खड़ी है और यहां पानी चलता रहता है। देखिए यहां पर धोबी कपड़े धोने के लिए आता है, पानी चलता रहता है। तो हमारा यहां अपना स्कूटी धोने का प्लान है। तो उससे पहले हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह दिखाने वाले हैं और आपको यहीं से दिखा देते हैं थोड़ा नज़ारा। वो देखिए सामने जो जगह दिख रही है ऊपर, हम आपको वहां ले जाएंगे और वहां दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है गाइस। तो चलते हैं फिर। ये रास्ता है झीर की तरफ जाता है, पहाड़ों के अंदर। तो चलते हैं गाइज, यहाँ से हम जाएंगे इस रास्ते से। ये दिख रहा आपको गाइज, तो हम पहुँच चुके हैं थोड़ी आगे, बस थोड़ी ही आगे और चलना पड़ेगा। वो सामने आपको दिख रहा होगा दीवार, दीवार के अंदर एक होल बना हुआ है, तो उसमें से निकलकर हम जाएंगे। तो गाइज चलते हैं फिर आगे की तरफ। हम पहुंच चुके हैं बाहर की तरफ। ये देखिए वो जो सुरंग दिख रही है आपको, उसी के अंदर से हम जाने वाले हैं। और वो दानिश उधर खड़ा है, पहुंच चुका है। तो उससे पहले हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। ये देखिए वो रास्ता है और वो हमारी स्कूटी खड़ी है वहाँ बहुत दूर। तो गाइस चलते हैं फिर ऊपर और दिखाते हैं आपको। गाइस तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ ऊपर, और देखिए इस सुरंग से मैं आया था। और ये ऊपर का नज़ारा देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार। और यहाँ पर मंकी भी बैठे हुए हैं, वो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर बंदर। ये देखिए बहुत ही गजब का नज़ारा दिख रहा है, और धूप भी निकल आई है इस वक्त, बहुत ही अच्छी वीडियो दिख रही है। ये देखिए गाइस, तो दानिश वापस चला गया है। देखिए वो जा रहा, वो इसलिए जा रहा, वो अपनी स्कूटी खड़ी है वहाँ पर, वो खड़ी उस पर बंदर बैठ चुके हैं और बंदर परेशान कर रहे हैं, स्कूटी को हिला रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं बार बार। तो वो दानिश उधर चला गया है स्कूटी लेने के लिए। तो गाइस ये देखिए ऊपर से कितना गजब का दिख रहा है। ये रास्ता है और ये पहाड़ है, ये रास्ता शहर की तरफ जाता है। और इधर से देखिए, तो दिखाते हैं और आगे। तो ये जो आपको दीवार दिख रही है इधर, इस दीवार के जो परली तरफ रास्ता है उसका नज़ारा हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए बहुत ही शानदार सीन है। तो गाइस देख चलते हैं। ये देखिए इधर वो रास्ता आ रहा है, वो रास्ता जाता है झीर की तरफ, अंदर झीर से की तरफ जा रहा है वो रास्ता। देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, आइए कभी घूमने के लिए। ये देखिए गाइस, गाइज तो मैं यहाँ बैठ चुका हूँ, देखिए और वो रास्ता है, और नीचे यहाँ से खाई है बहुत बड़ी।
और वो दानिश आ रहा है, अभी अभी स्कूटी को साइड में करके आया है और वहाँ से बंदरों को भगा कर आया है। वो देखिए दोबारा आ रहा है अपना व्लॉग बनाने के लिए दानिश। ये देखिए गाइस, चलते हैं गाइस तो दूसरी जगह दिखाते हैं आप। दानिश आ चुका है देखो उसी सुरंग से, ये देखो अपना व्लॉग बनाने के लिए दानिश ऊपर आ चुका है। और गाइस अब बहुत ही धमाकेदार व्लॉग बनने वाला है, तो गाइस आप देखते रहिए। तो ये देखिए गाइस दानिश आ चुका है, तालिया गाइस तालिया। तो गाइस तो हमने आपको चारों तरफ का टूर करवाया है और ये देखिए गाइस बहुत ही हाइट है यहाँ से। आप यहाँ से सावधानी बरतें, कभी भी फ़ोन पर ध्यान ज़्यादा ना दें, और यहाँ से जब भी सेल्फी लेनी हो या घूमना हो तो दीवार से नीचे रहकर करें, क्योंकि दीवार से गिरने का डर रहता है, बहुत ही बड़ी हाइट है। वो देखिए मैं भी बैठा हुआ हूँ ताकि गिर ना पाऊँ। तो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं। तो हमने आपको पूरा दिखाया, तो गाइस अब हम लेते हैं फ़ोटो यानी सेल्फी। तो गाइस यहाँ घूमने के लिए आए हैं दूर से, तो सेल्फी तो बनती है, तो फ़ोटो खींचते हैं और आपको फिर फ़ोटो में भी मिलेंगे। तो गाइस इंस्टाग्राम पे हमारा फ़ोटो चेक कर सकते हैं आप। तो गाइस फ़ोटो ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा यार। तो गाइस ये देखिए ये किस चीज़ का पेड़ है, मुझे तो पता नहीं, गजब लग रहा है वैसे तो। ये हेलीकॉप्टर का पेड़ देखते हैं, इसके अंदर पंख लग रही है, इसके अंदर वाइट वाइट। वाओ क्या खुशबू गाइस, बहुत शानदार पेड़ है, गौर से देखो इसको, पता नहीं किसका, आप बताइए। ये देखिए गाइस, तो फोटो लेने के लिए दानिश कैमरा सेट कर रहा है, देखिए हो रहा अपना फोन लेने कर, देखिए गाइस वो सेट कर रहा है उधर फोटो लेने के लिए, पर उसको फोटो लेने के लिए कोई पोज नहीं मिल रही, ना ही कोई लोकेशन मिल रही। तो इसको मैं बताता हूँ जाकर अब, ठीक है। तो मैंने इसको इधर से लोकेशन बताइए, इधर से पोज बताइए, अब ये इधर से सेल्फी लेगा, मैं और दोनों लेते हैं। तो गाइस सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी गाइस फोटो ले लेते हैं। दानिश फोटो ले रहा है, देखिए शानदार सीन, जबरदस्त जिंदाबाद। ये देखिए गजब लग रहा है ना फोटो सेल्फिया। गाइस ये फोटो ले रहा है और इधर बंदरों ने हमला कर दिया है हमारे ऊपर, ये देखिए गज, ये देखिए बंदर रो रहा, और इसको फोटो, ये फोटो लेने में व्यस्त है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदर आए, मंकी आए, बंदरी आए, भालू आए, जो भी आए, शेर आए, चीता आए। ये देखिए बंदर इधर निकल चुके हैं, नीचे की तरफ डर कर भाग गए हैं, इसकी बॉडी शोडी देखकर बंदर। तो गाइस आगे और देखते, तो फोटो ले लिए, डिप्स लगा ली, पूरी मस्ती कर ली, तो अब चलते हैं घर के लिए। तो चलते हैं, हम इस रास्ते से आए थे पहले, ये आपको देख रहे हैं ये गुफा ये वाली, तो अब हम दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं फिर दूसरे रास्ते को और उसको आपको दिखाते हैं पूरा। तो गाइज ये रास्ता जा रहा है दूसरा वाला, तो गाइज इस रास्ते से चल रहे हैं, परली तरफ रोड है तो गिरने का डर है, इसलिए हम नीचे उतर जाते हैं। Thank you.
यही वो रास्ता जहाँ से हम जाने वाले हैं उधर तरफ से। उससे पहले हम आपको थोड़ा दीवार के पास से नज़ारा दिखा देते हैं। वो देखिए यहाँ से गजब का सीन आ रहा है, गजब भारी भारी पत्थर हैं और ये बड़ी दीवार भी है। तो गाइस वहाँ चलते हैं, दानिश बुला रहा है सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए। गाइस तो दानिश यहाँ का जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ का रास्ता नहीं, देखो ये कहाँ फंस गया, तो इसको यहाँ वापस आना पड़ेगा। तो गाइस हम दूसरा चेंज करते हैं रास्ता, तो वहाँ से चलते हैं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, ये गिरेगा। तो दानिश गलत रास्ते से चला गया है और सही रास्ता यह है। देखिए देखो ये इधर से जा रहा है, ये रहा, ये सही रास्ता है। वो गलत रास्ते से चला गया और उसको वापस आना पड़ेगा। तो गाइज हम यहाँ से जाएंगे। गाइज तो मैं फाइनली नीचे आ चुका हूँ, ये रास्ता है और दानिश इस रास्ते से बाहर आ रहा था, देखो वो बैठा ऊपर। मैंने बोला था ना आपसे दानिश उस रास्ते से जा रहा है जो नीचे नहीं जाता, वो गलत रास्ता है। ये देखिए ऊपर अटक गया, दानिश पे उतरा नहीं जा रहा, वो देखिए वो ऊपर है, अब ये वापस जा रहा है, उस रास्ते से आएगा जिस रास्ते से मैं आया था। मैंने इसको पहले ही बोला था उस रास्ते से मत जाओ, लेकिन ये माना नहीं, अब देखिए फंस गया, अब ये वापस जाएगा और वहाँ से आएगा जहाँ से मैं आया था। चलते हैं गाइस। गाइस तो देखिए नीचे से नज़ारा, वो देखिए नीचे से काफ़ी सुंदर नज़ारा, और वो दानिश वापस चला गया। अब थोड़ी देर बाद में आएगा और फिर आपको मिलवाते हैं। वो देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। गाइस तो मैं पहुँच चुका हूँ, अपनी ये स्कूटी है और वो देखिए दानिश वहाँ से आ रहा है, वो आ गया दानिश। और इधर देखिए ये धोबी आ गए अपने कपड़े धो सुखाने के लिए, कपड़े धो लिए इन्होंने, और अब हम चलते हैं गाइस घर के लिए। हेलो गाइस, तो वो जगह है जो हमने आपको दिखाई थी वो सामने दिखाई दे रही है। तो गाइस अब हम चलते हैं घर के लिए। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताइए कैसा लगा हमारा व्लॉग।